अनएकेडमी के तरफ से बहुत ही एक बेहतर पहल की शुरुआत की गई है, जो कि पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके बहन भाई क्लास 8, 9 और 10 में हैं, तो अनएकेडमी के तरफ से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए एक बेहतर विकल्प है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए एक बेहतर विकल्प है, जिसमें रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ाई होती है और आपके बहन भाई लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और वो भी फ्री में। अगर और डेली क्विजेस भी दे सकते हैं, वो भी फ्री में। और अगर आप और भी बेहतर सेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करा के आप इनको प्लस भी दिला सकते हैं। रेफरल कोड डॉक्टर एस के सिंह, जो हर वर्ड कैपिटल लेटर बिना किसी गैप के साथ। आइए टेरिडो फाइटर से शुरुआत करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट। नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टेरिडोफाइटा अराइजिंग फ्रॉम द ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो होते हैं ब्रायोफाइटा से आए हैं, और इसे एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, इसे बोटानिकल स्नेक भी कहा जाता है। तो टेरिडोफाइटा अराइजिंग फ्रॉम द ब्रायोफाइटा, क्योंकि एक हायर चीज में जा रही हैं। टेरिडोफाइटा के बाद हमारे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हायर में बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिज्म में बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे यहाँ पे इवोल्यूशन होगा। तो टेरिडोफाइटा इज अराइजिंग फ्रॉम द ब्रायोफाइटा, देयरफॉर दे आर कॉल्ड बोटानिकल स्नेक। टेरिडोफाइटा एक ऐसे फाइलम है जहां पे पहली बार उनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम देखा गया था। जाइलम एंड फ्लोएम आर द वेसल्स, and these vessels are important for the conducting of the water and minerals and the food translocations. Aur bryophyta mein nahi tha, to pteridophyta mein sabse pehle vascular structure ko dekha gaya tha. To they are known as vascular cryptogamous and higher cryptogamous. Iske baad jitne bhi plant kingdom ke sadasya hain, jaise ki gymnosperm, angiosperm, they have vessels. So they are terrestrial, they are found on the land, or might be they may be the aquatic, or alag alag inka living standards ho sakta hai, alag alag jagah pe reh sakte hain, terrestrial bhi ho sakte hain, pani mein bhi reh sakte hain, jaise ki Azolla, Salvinia, Morcilia. Dekhiye plant kingdom mein aapko ek cheez dhyan mein rakhna hai ki inke example ko आपको बेहतर तरीके से याद करना चाहिए। अगर आपको एग्जाम्पल अगर याद है, तो आप देखेंगे बहुत बेहतर कर पाएंगे। एपीफाइटिक, एपी का मतलब ऊपर, फाइटिक का मतलब प्लांट। प्लांट के ऊपर जो ग्रो करते हैं उनको हम एपीफाइटिक कहते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम इज द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द प्लांट। जेरोफिटिक, जो कि रेगिस्तान मरुस्थल पर रहते हैं, जैसे कि स्लेजिलेना इक्वेसिटम। तो ये सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं नीट में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइट्स बोलते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस द स्पोर्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्पोरोफाइट्स, इसलिए इसे स्पोरोफाइट्स कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ। एडवेंटिशियस रूट यहां पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे रूट जो कि दे आर नॉट अराइजिंग फ्रॉम द रेडिकल, क्योंकि आपको पता है कि रूट जो होता है रेडिकल से अराइज होता है, बट ये रूट से रेडिकल से ना निकले, किसी अन्य पार्ट से निकले, उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। लीफ बहुत छोटे छोटे होते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रोफिलस, स्मॉल विदाउट फॉर्मिंग द लीफ कैप गैप, स्लेजिलेना एंड मैक्रोफिलस। वेस्कुलर टिश्यू, the xylem and phloem is present. So they have vessels, जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि इस प्लांट के अंदर सबसे पहले vessel आए थे, सबसे पहले इसमें vessels देखने को मिले थे, because they are vascular. तो xylem and phloem are present. अगर हम बात करें, फिर से वही लाइन दोहरा रहे हैं तीसरी बार, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। Evolutionary, they are the first terrestrial plant. They have a xylem and phloem. ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले इस धरती के ऊपर यही टेरिडोफाइट थे, जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम का निर्माण हुआ था, जिनके अंदर जो है
जाइलम एंड फ्लोएम था, कंडक्टिंग टिश्यू था, राइट। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट्स अगेन बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स एंड दे डिफरेंशिएट इनटू द ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीफ ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर प्रोडक्शन। अलग अलग स्पोर्स, इनके दो टाइप के स्पोर्स होते हैं। अगर सिमिलर टाइप के स्पोर्स आपको नजर आए तो दे आर कॉल्ड होमो स्पोर्स। होमो का मतलब होता है सेम। द सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड होमो स्पोर्स। और हेट्रो स्पोर्स के बारे में बात करें तो दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। वन इज कॉल्ड माइक्रो स्पोर्स, जो छोटे स्पोर्स होते हैं। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कि जितने भी छोटे गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। दे हैव अ एबिलिटी टू मूव वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट जितने भी छोटे गैमेट्स होते हैं, बड़े गैमेट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड फीमेल गैमेट्स, आर्किगोनियम, एंड दे हैव नो टेंडेंसी टू मूव। तो मेल गैमेट्स यहाँ पे आके इसको फर्टिलाइज करता है, उसको फर्टिलाइज करेगा। ध्यान दीजिएगा, लीफ मे बी द सिंपल और कंपाउंड टाइप। लीफ के अलग अलग टाइप है, मॉर्फोलॉजी में कभी पढ़ेंगे कि लीफ के कितने टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, पाल्मेट्री, पामेट्री, अलग अलग होते हैं। इनमें टेरिडोफाइट में सिंपल और कंपाउंड टाइप के लीफ पाए जाते हैं। गेमेटोफाइट इज अ स्मॉल और इनकॉन्स्पीसियस एंड यूजली इंडिपेंडेंट। थैलॉइड, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है थैलॉइड, इट इज अ मोस्टली फोटोसिंथेटिक, इसलिए इसे हम प्रोथैलस बोलते हैं। गेमेटोफाइट हैव अ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दे आर कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम रेस्पेक्टिवली। एंथ्रीडियम इज अ मेल पार्ट एंड आर्किगोनियम इज फीमेल पार्ट। द फ्यूजन इज टेक प्लेस इन साइड द दिस एंथ्रीडियम इज प्रोड्यूस अ मेल गैमेट एंड आर्किगोनियम इज प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट। दे कम एंड ज्वाइन टू फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट फिर से डेवलप होगा और ये जो है मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दे हैव अ क्लब मॉसिस आर लाइकोपोडियम। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्लब मॉसिस का क्या नाम होता है, लाइकोपोडियम एंड स्लेजिलेना। स्लेजिलेना इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइक मॉस। स्लेजिलेना इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइक मॉस, राइट। स्लेजिलेना इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइक मॉस। लाइकोपोडियम पोजेस द ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम कवर बाय द स्केल लाइक लीफ। तो लाइकोपोडियम के पास छोटे छोटे ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम होते हैं। दे आर कवर विद द स्केल लाइक लीव्स। लीव्स जो होते हैं हमारे, दे बियर अ स्पोरेंजिया इन द टर्मिनल क्लस्टर। दे आर नोन एज टर्बुलाई, दैट इज कॉल्ड क्लब शेप। क्लब शेप लीफ आर टर्म एज माइक्रोफिल्स। लीफ जो होते हैं वो माइक्रोफिल्स होते हैं, छोटे छोटे लीव्स होते हैं। दे हैव ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ वास्कुलर टिश्यू एंड राइजोम आर ब्रांच। राइजोम जो होते हैं वो ब्रांच होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर क्लब मॉसेस। दे अकर इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। सो मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वन मेंबर इज कॉल्ड ड्रायप्टेरिस। ड्रायप्टेरिस, दिस ड्रायप्टेरिस इज कॉल्ड मेल शेडेड फर्न्स और बीथ फर्न्स, इन्हें कहते हैं मेल शेडेड फर्न एंड बीथ फर्न कहते हैं। ये भी टेरिडोफाइट की तरह स्पोरोफाइट्स हैं। इनका प्लॉयडी लेबल 2N होता है। दे कंटेन द रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट एडवेंटिशियस रूट्स होता है जो कि रेडिकल से निकलता नहीं है। यहां पे इनमें खास चीज ये होती है कि जितने भी यंग लीफ होते हैं नीचे की दिशा में होते हैं, और जो ओल्ड लीफ होते हैं, जो पुराने लीफ होते हैं, ऊपर की दिशा में होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एक्रोपीटल या बेसिपीटल, एक्रोपीटल या बेसिपीटल। यस प्लीज, यस। सो यहां पे देखेंगे कि यंग लीफ जो है इसको हम कभी कभी रमेटा बोलते हैं। रमेटा इसको हम रमेटा कहते हैं। और इसमें खास बात यह होती है कि जब भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जो यंग लीफ है
ये बिल्कुल अपने अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाता, अंदर की तरफ ऐसे गोल बना लेगा, बॉल बना लेगा। इसको हम सर्किनेट टाइक्सिस बोलते हैं, सर्किनेट टाइक्सिस, ये बॉल बन जाएगा। अब मान लो कि छोटा बच्चा जा रहा है अपने पापा के साथ और देखा कि प्लांट के ऊपर बॉल चिपका हुआ है, तो उसका कैसे रिएक्शन होगा? पापा 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 वो देखो बॉल। पापा कहेंगे अरे यार ये प्लांट के ऊपर बॉल कहां से आ गया? बट पापा ने थोड़ा ना टेरिडोफाइट पढ़ा है, पापा ने थोड़ा ना ड्राफ्ट टेरिस पढ़ा है ना, उन्होंने लगा कि पता नहीं क्या है, ये लीफ का ही कुछ चीज है। बट यस, दिस इज अ सर्किनेटाइक्सिस। यहां पे देखेंगे दिस इज राइजोम, और इस राइजोम के ऊपर आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, एंड दे आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स, दे आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स, दे आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। सो यंग लीफ शो द सर्किनेटाइक्सिस, द वे इन विच यंग लीफ इज फोल्डेड, the way in which young leaf is fold and they fold like a ball, they fold like the ball. Rhizome grow vertically and obliquely in a soil and it is known as root stock. They are known as root stock. कभी कभी नीट वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए जो pteridophytes हैं इनको हम ferns कहते हैं, तो इनके अंदर ऐसे क्या character होते हैं जो आप इसको ferns कहेंगे? तो द टेरिडोफाइट हैविंग अ फर्न लाइक कैरेक्टर, फन नहीं, फर्न, फर्न, फन नहीं, ये टेरिडोफाइट फन करेंगे, ना ना, फन। प्रेजेंस ऑफ रमेटा जो कि बॉल की तरफ घूमते हैं ये यंग लीफ में, अभी मैंने यहां पे दिखाया है यंग लीफ में रमेटा होता है, फर्न के कैरेक्टर होते हैं। सर्किनेटाइक्सिस गोल घूम जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो गोल बॉल बन जाएंगे, और इनके जो गैमेट्स होते हैं वो मल्टीफ्लेजिलेटेड होते हैं, they have a multi-flagellated male gametes. Slezilena, Slezilena दूसरा member है, इसको हम spike moss और small club mosses कहेंगे। Some species are xerophytic, जो कि मरुस्थल या ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पे पानी की भारी कमी होती है। कौन कौन से species होते हैं? Slezilena rupestis, Slezilena lipidophila, Slezilena dryopteris, संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे युद्ध के दौरान में सीता मैया को छुड़ाने के चक्कर में, तो वहां के वैद्य जी ने कहा कि इनको अगर बचाना है तो हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा, और हनुमान जी को मौका मिला कि जाओ हनुमान जी लेके आओ संजीवनी बूटी। हनुमान जी तो चले गए हिमालय पे, पर उनको सारा का सारा वृक्ष, सारे के सारे पौधे संजीवनी बूटी लग रहे थे। उन्होंने सोचा कि यार कहां से ढूंढे संजीवनी बूटी, मैंने तो टेरिडोफाइटा पढ़ा नहीं, मैंने तो सलेजिलेना के बारे में मुझे पता ही नहीं है, क्या करें क्या ना करें, चलो पूरा ही पहाड़ लेके चलें, बाकी जो वैद्य जी हैं वो काम कर लेंगे, उन्होंने तो सलेजिलेना पढ़ा होगा। तो यही दिक्कत है, पढ़ना जो जरूरी है। हालांकि हनुमान जी को सारा ज्ञान था, वो जानबूझ के पहाड़ को लेके आ गए, हनुमान जी से बेहतर कौन जान सकता था। तो डायफ्रेस संजीवनी बूटी, दे आर ऑल्सो रीसर्कुलेशन प्लांट, एंड ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर द लीफ शूट ऑफ दिस प्लांट रोल इन्वॉल्व, बहुत ही बेहतर तरीके से ये ऐसे रोल हो जाते हैं एंड लुक लाइक बॉल। तो ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर द लीफ शूट ऑफ दिस प्लांट रोल इन्वॉल्व and they form a ball-like structure. When the condition is moist, the plant unroll and become a normal plant. आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे ये तो कभी roll भी हुआ था। तो समझ रहे हो कि मतलब ये बिल्कुल normal जैसा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। This habitat is known as caspitose habitat, कुछ भी बोल सकते हैं। प्लांट बॉडी अगेन स्पोरोफाइट बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस स्पोर्स, दे हैव अ रूट एडवेंटिशियस रूट विद स्टेम ब्रांच लीव सिंपल लैंगुलेटेड। तो रिप्रोडक्शन इन Slezilena अगर बात करें कि आगे Slezilena में रिप्रोडक्शन होता कैसे है, तो दे आर हेट्रोस्पोर्स, दे आर प्रोडक्शन ऑफ वन बिगर गैमेट्स और स्पोर्स, एंड अदर इज अ स्मॉलर
द साइज मे बी द वैरी द हेट्रोस्पोरी इज अ फिनोमिना टू फॉर्मिंग द टू टाइप ऑफ स्पोर्स वन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स अनदर इज कॉल्ड मेगा स्पोर्स लुक ओवर हियर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड दे शो द दिस दे आर सोन बाय द हायर प्लांट नॉट सीन बाय द लोअर प्लांट therefore they consider the important character of the evolution they are called important character of the evolution Selezilena bilkul seed banane ke paas bilkul pahunch jata hai they show the close approach to the seed habits why because they have a heterosporous conditions and the two type of gametophyte one is called male another is called female the sporophytes provide nutrients during the early development of gametophytes ko nutrition provide karta hai because the gametophyte remain within the sporophyte for the some time to isliye gametophytes ko nutrition milna chahiye ki agar wo sporophytes mein rahe to isko jo hai nutrition mil sake teesra jo member hai that is called fern teesra jo member hai pteridophyte ka that is called fern Young leaf of fern are coiled, जैसे कि रमेटा होता था Fern plant dominant and deployed sporophytes. Special spores bearing leaf, that is called sporophylls. They produce a sporangia, and in this haploid spores are produced. The spores after germination they produce a small gametophyte, which lead to the independent life जीते हैं Prothallus bear the archegonia and Enthridia. Enthridia is a male part, archegonia is a female part. Enthridia produce a male gamete, archegonia produce a female gamete. This male and female gamete combined to form a zygote. Now, Prothallus bear the archegonia or Enthridia. Ek hota hai Adiantenum. Adiantenum इससे भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ Adiantenum दे आर कॉल्ड वॉकिंग फर्न्स दे आर ब्यूटिफुली अरेन्ज ब्लैक शाइनिंग पैटल्स कंपाउंड लीफ विच गिव द अपियरेंस ऑफ मेडन हेयर फर्न्स इससे जो है काफी क्वेश्चन आया है राइट तो इसको भी ध्यान रखिएगा तो ये प्रमुख टॉपिक थे इंपॉर्टेंट टॉपिक था नीट पॉइंट ऑफ व्यू से Pteridophyta के लिए जो काफी बेहतर है और इससे अगर Pteridophyta में नीट में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी स्लाइड से आएगा ये बिल्कुल तय है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ये चैनल आपको डॉक्टर बनाए और जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आप सबको नोटिफिकेशन मिल पाए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे मनोबल मिलता है और भी बेहतर करने का थैंक यू सो मच